श्री सप्तागिरी अलका जी, थैंक यू चेयरमैन मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट्स बिल 2023 विच आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन December 4, 2023 एंड इट एम्स टू amend the Central University Act 2009. Ma'am, the bill seeks to establish a Central Tribal University in Telangana, which will be known as Samakka Saraka Central Tribal University. And the main focus is to enhancing access, ensuring quality of higher education, fostering research facilities, and promoting advanced knowledge in tribal art, culture, customs, and technology for the tribal population across India. Ma'am, this is a very welcome move and we support the bill and welcome this move so that the necessary tribal university is being established in Telangana. It will take care of the regional aspirations and having a tribal university will foster the tribals to get access to education, research and preserve our culture, access and quality and promotion of higher education research. So we welcome this bill and we stand in support of the bill. At the same time, ma'am, I like to highlight a few things which we have seen arising in multiple areas where we have tribal university bill and so on. The first thing which I see is there has been a gross violation of reservation rules. If you take care of Indira Gandhi National Tribal University Act, the Adivasi enrollment, which used to be around 80-90% in 2013, very unfortunately, it has come down to only a mere 7.5% in 2023 under the NDA. So if you see, there's a drastic drop in the Adivasi students studying in the tribal university. And one of the main reasons, ma'am, is because it's linked to the admission to this university, is linked to Central University Entrance Test, CUET, which is really inaccessible to tribal students. मैडम, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये आदिवासी बच्चों को जो पढ़ने का समस्या क्या होता है, इनके एनरोलमेंट क्या समस्या होता है। आदिवासी तब बनते हैं जब उनके पास प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशल बैकवर्ड, एंड इनमें एक शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है जो एक आदिवासी का पहचान होता है। एंड हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, वेन वी स्टडी इन द प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, मेनली जो हम लोग देखे हैं विभिन्न राज्यों में जो ड्रॉप आउट होते हैं, बिकॉज उनको भाषा समझ में नहीं आता। एक आदिवासी का भाषा अलग होता है, कुई होता है, सोरा होता है, लेकिन उड़ीसा में जैसे ओडिया होता है, तेलुगु में तेलुगु होता है, लेकिन हम लोग की भाषा हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड हम लोग जो देखें, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में ये ड्रॉप आउट का मेन रीजन है, उनको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए कई सारे इंटरवेंशन हुए हैं कि स्कूल्स को गाँव में कैसे बनाना है। अब जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एक तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये एक CBSE करिकुलम के अंतर्गत है, एंड ये जो एग्जाम सेंटर्स है, दिस आर वेरी फार ऑफ। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, एक आदिवासी क्षेत्र जो होता है, पहाड़ में, गांव में रहते हैं, वो एक शहर में जाके, हैदराबाद में जाके एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो ये बहुत दूर होता है, जिसके लिए इनका एनरोलमेंट भी कम होता है। तो ये मेन चीज है जिससे कि हमें ये देखना है, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, हमें ये माहौल कैसे बनाएंगे कि आदिवासी लोग जो अपने कला संस्कृति है, उनके भाषा है, उनके से एंटैंगल करके ये कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूं मैम, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा कोरापुट में 2009 में इसका एस्टेब्लिश किया गया। 10-15 साल हो गए, जो पैसा इनिशियली यूपीए टाइम में हम लोग दिए थे, वो पैसा लौट गया है, उस यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं है। 3 साल पहले मैंने ये इसी पार्लियामेंट में उठाया था उनका स्टाफ के बारे में, उनका जो टीचर रिक्रूटमेंट है, प्रोफेसर के सैंक्शन पोस्ट 23 था, पोस्टेड 0, एसिस्टेंट प्रोफेसर 43, पोस्टेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 88, पोस्टेड 16। ये 3 साल पहले की बात है, जहां पे यहां 0 ओवर में भी उठाए थे, माननीय मंत्री जी भी मिले थे, कुछ कुछ प्रोग्रेस हुआ, लेकिन मैं आपको ये बड़ी दुख के साथ बोलना पड़ता है कि क्या प्रोग्रेस हुआ। जो प्रोफेसर है, उसके पोस्ट जो 23 था, उसके खिलाफ 14 एडवर्टाइज किए हैं, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुई अभी तक। एसिस्टेंट प्रोफेसर 28 एडवर्टाइज किए हैं, खाली 2 ही भर्ती हुई, टोटल 3। असिस्टेंट प्रोफेसर 45 के एडवर्टाइज किए थे, लेकिन 0 भर्ती। तो इनके भर्ती के कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है सर, माननीय
मंत्री जी को आपके माध्यम से उनको भी जानना चाहता हूं, ये भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? एंड जब तक भर्ती नहीं हो रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को लेके ये संस्था चला रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन का तो ऐसी तैसी हो जाती है, माने रिजर्वेशन कुछ होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज दे डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन, ये हालत है यहाँ पे। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा कोरापुट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स बार बार डिमांड करके मैं बोलते आ रहा हूँ कुछ फंड्स दे दो, नहीं दे रहे, कुछ ग्रांट में नहीं दे रहे, वी डिमांड एलोकेशन ऑफ फंड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लोन नहीं चाहिए, वी नीड ग्रांट्स थ्रू हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हिफा के अंतर्गत हमें ये चाहिए एजुकेशन का। दूसरा भी आते हैं जो ड्रॉप आउट्स है, अभी कुछ दिनों पहले सदन में एक क्वेश्चन के आंसर में ये बताया गया जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आईआईटी से आईएम से 13,500 स्टूडेंट्स हैव बीन ड्रॉप्ड आउट। एंड इसमें क्या होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनका एक्सेप्टेबिलिटी जो होता है वो होता नहीं है, जो मेन स्ट्रीम में आते हैं ना तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड ये बड़ी दुखद बात है कि जब सरकार इतना प्रयास कर रही है कि हमारे जो आदिवासी एसटी एससी ओबीसी ये हायर एजुकेशन में आए तो इनका ड्रॉपआउट को देख के क्या कर सकते हैं वो एक करना पड़ेगा। उसमें एक मेन चीज जो है एक उनका होता है एससी एसटी सेल्स होता है जो कि दे टॉक टू काउंसिल करते हैं, काउंसिल लेते हैं इन आदिवासी एससी बच्चों को। एंड अभी आप देखोगे तो आईआईटी दिल्ली अभी पिछले साल ही ये स्थापित किया है। एंड अभी बहुत से केस जितने सुसाइड्स होते हैं आईआईटीज में, ये जो अभी घटना घटे हैं वो सारे एसटी एससी ओबीसी के वर्ग के लोग ही होते हैं। एंड ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा कि खाली यूनिवर्सिटी बनाने का, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जब ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो मैं ये आपके माध्यम से मंत्री जी को अपील करना चाहता हूँ, जो करिकुलम होता है, जो रिसर्च होता है वो ट्राइबल कल्चर के ऊपर हो। 800 से ज्यादा ट्राइबल ट्राइब्स है इंडिया में, उनके जो विभिन्न कल्चर है उनको कैसे प्रमोट किया जाए, हमारी जो शैलता है, जो डांस हम लोग जो धिमचा वगैरह बोलते हैं ये सब कैसे किया जाए, ये सब चीज पे आप रिसर्च करो ताकि लोगों को पता चले कि ट्राइबल कल्चर क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी क्या होता है, उसको कैसे बचा के प्रिजर्व करके रखना चाहिए। एंड मैडम ये एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन है लेकिन खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, हमें चाहिए कि पूरा ट्राइबल इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो, हम कैसे आगे बढ़े, हम लोगों को कैसे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी जो कल्चर है इसको प्रिजर्व करते साथ एक क्वालिटी एजुकेशन जैसे दे पाए आदिवासी बच्चों के लिए, इसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। माननीय मंत्री धर्मेंद्र जी यहाँ नहीं है, आपके माध्यम से उनको एक और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, केंद्रीय विद्यालय जयपुर ये पिछले 2 साल से सब कुछ हो गया, उनका दस्तखत का पेंडिंग है, हमारे जयपुर के जो हम निवासी हैं ये बार बार वेट कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय जयपुर का स्थापना कब करेगा। बहुत मुश्किल से हम लोग केंद्रीय विद्यालय जयपुर के लिए लैंड एक्वायर किए हैं, जितना काम करना था किए हैं, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे कर दिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जयपुर अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत दुखद बात है। हमें आशा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो उड़ीसा के मंत्री होंगे वो खासकर कोरापुट एंड जयपुर को देखेंगे, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं ये आवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जवाब में केंद्रीय विद्यालय जयपुर के बारे में भी कुछ अपडेट दे। यही बोल के इस बिल को हम समर्थन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।